नमस्कार दोस्तों, अभी मैं आपको एक जो जाली बनती है ना तार वाली, वो कैसे बनती है, कितने लागत लगा करके आप उसका एक कारखाना लगा सकते हैं, अपना उद्यम शुरू कर सकते हैं, उस दिशा में एक गुजरात की कंपनी है राजकोट की, जो इन्होंने पुणे किसान मेले में अपना सेटअप लगाया है, यहाँ लाइव डेमो दे रहे हैं। तो हमें भी लगा कि देखना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से छुट्टा पशुओं की संख्या बढ़ी, जिस हिसाब से लोग चाह रहे हैं कि संरक्षित खेती की जाए, लोग फेंसिंग करवा रहे हैं, वैसे में इसका महत्व जो है लगातार बढ़ रहा है और ज़रूरत भी है आज के हिसाब से। अब हमारे साथ परमेश हैं जी, मुझे बताइए अपने इस मशीन के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में और कैसे काम करते हो, दिखाइए भी। जी सर, एक्चुअली हम राजकोट से, गुजरात हिंदुस्तान कॉरपोरेशन से, और हम ये पूरा ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक चेनलिंग फेंस मशीन, जिसको ये मशीन को बोला जाता है चेनलिंग फेंस मशीन, ये पूरा ऑटोमेटिक प्लांट है। और प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से मैं आपको बताऊँ तो पहले ये मशीन अराउंड 100 kg पर आवर ये जाली तैयार करती है एक घंटे में। और दूसरा, इसमें आप पूरा एडजस्टेबल मशीन से, जिसमें आप जाली की हाइट 1 फीट से लेके 10 फीट तक सभी अच्छा, बना सकते हो। आप इसको कम कर सकते हैं मतलब? जी हाँ, 1 फीट से लेके 10 फीट तक आप इसकी हाइट बना सकते हो। मशीन एक है लेकिन उसकी संख्या, अगर उसकी चौड़ाई है, आप कम ज़्यादा कम ज़्यादा इसमें एडजस्ट हो सकती है। और दूसरा, इसमें दूसरा एक है होल साइज। अभी जो ये आपको पिच साइज 3 इंच की दिख रही है, वो आप 1 इंच से लेके 4 इंच तक सभी साइज इसमें बना सकते हो। ये कह रहे हैं कि मशीन एक ही है लेकिन जो इसके जो होल का साइज जैसे 3 इंच है, इसको हम बढ़ा के 4 इंच कर सकते हैं, एक भी कर सकते हो। 5 फीट का है करीब ये? ये 5 फीट की हाइट है लेकिन 10 फीट तक जा सकते हो। 10 फीट भी कर सकते हैं, 2 फीट भी कर सकते हैं, जैसे ये लगे हुए हैं, इनको एडजस्ट करके हम इसे ऐसा बना सकते हैं जी। अभी एक इसको हम चला के भी दिखाएंगे, इससे पहले आप मुझे ये बता दीजिएगा कि इसकी लागत कितनी है एक मशीन की, जो नॉर्मल कंडीशन में या प्राथमिक स्तर पे जो लगा सके पहला जो काम कर रहा हूँ? जी हाँ, ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन्स की प्राइस है 10,80,000 रुपये और GST टैक्स 18% एप्लीकेबल है इसके ऊपर। ओके, 10 लाख की मशीन है, 10 लाख में पूरा मशीन ऑटोमेटिक तार ले आए, निकाल के आपको दे देगी? जी हाँ, वायर का बंडल आप लगा दिए, फाइनली तैयार जाली का बंडल आउटपुट में आएगा। चलवा के दिखाता हूँ आपको कि ये लोग बना के दिखा रहे थे, थोड़ा बना दिखाएगा और उसके बाद मैं आपको और रेट के बारे में बताता हूँ। बोलिए। और चालू करें, अब आइए तो बाहर आइए। तो ये वायर रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल आपको ये मंगाना है बाद में, इसके अलावा इसे फिर बाकी कुछ मशीन लगती है, बिजली लगती है, वो कितनी बिजली लगती है उस बारे में हमें बताएंगे। फिलहाल मैं आपको चलता हूँ दिखाता हूँ जी। ये आपके पास एक पैनल है, ये ऑपरेटिंग पैनल है पूरा टच स्क्रीन के साथ, जिसमें पूरी मशीन को इधर से आप एडजस्ट कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो। तो ये वो पैनल है जिसके बारे में बात कर रही है, यहाँ पे सब कुछ आपको दिया हुआ है थोड़ा। हाँ, ये पूरा पैनल है ऑपरेटिंग पैनल, यहाँ पूरी सभी मैनुअल और ऑटो स्विच लगी हुई है, जिसमें हम टच स्क्रीन वाला पूरा HMI मॉडल से, इसमें आप जाली की हाइट कितना लंबा बना, कहाँ तक बना, कितने KG तैयार हुआ माल, सब कुछ इसमें डाटा इंक्लूडेड होता है। यहाँ से आप पूरी मशीन यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो जी। वायर चल गया, ये शुरू हो गए यहाँ से प्रोडक्शन। ये मशीन के लिए चाहिए आपको 20x20 फीट की जगह, जाली के हाइट आपको मशीन की लगभग रहेगी 8 फीट तक। और इन्होंने बताया है कि इसके लिए जो बिजली का जो कनेक्शन है, कितने पावर, कितने किलोवाट का होना चाहिए? टोटल इसमें 10 kW का बिजली का पावर सप्लाई चाहिए 3 फेज में। तो मशीन 10 लाख रुपए की आपने बताया, 10,80,000 रुपए की मशीन हो गई बीच GST, और उसके बाद में आपने बताया 10 किलोवाट का पावर सप्लाई चाहिए जी। तो ये कितने दिन में पैसा आ जाएगा, अगर आपने कहा 100 किलो रोज माल बना सकती है? एवरेजली आप देखें तो पर केजी के हिसाब से 5 रुपए से लेके 10 रुपए तक एवरेजली मार्जिन लगाते हैं लोग। अच्छा। तो उसके हिसाब से आप देखें तो 1 घंटे में करीब 100 किलो माल तैयार होता है, 80 किलो से 100 किलो, तो आप 12 घंटे का आप एवरेजली देखें तो 1 टन के करीब माल तैयार होता है। तो हर दिन आप देखें एवरेजली तो 5,000 से लेके 10,000 रुपये तक, एरिया वाइज हर एक जगह अलग अलग
मार्जिन रहता है। जैसे यानी कि ये अगर आप सब ये सब को जमीन सब मिला के 15 से 20 लाख रुपए अगर इस सेटअप में खर्चा किया जाए जी, तो आप 10 से 20 हजार 10 से या 5 से 20 हजार 5 से 10 हजार रुपए पर डे आप इसमें आप कमा सकते हो बिल्कुल। और इसके लिए कुछ कानूनी कुछ दाव पेज या मतलब लाइसेंस वगैरह? नहीं सर, इसमें कोई आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये एंटरप्राइज आप शुरू करना चाहते हैं तो जीएसटी नंबर ले तो आपको एक अलग लेवल पे आपका बिजनेस तैयार कर सकते हो। ये कंपनी है गुजरात की और जिसने यहाँ पे लगाया है पुणे में, मुझे इनसे मुलाकात हुई, मैं इनका नंबर शेयर करूँगा अगर किसी को लगता है किसी काम आ सकते हैं। हमने इसलिए बनाया, कई बार लोग सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं या कैसे बिजनेस में जा सकते हैं, हाँ इस तरह के भी कहाँ बनता होगा, तो मुझे लगा शायद ये वीडियो में आपके शेयर करूँ तो आपके काम आ सके। तो ये कंपनी है हिंदुस्तान, क्या बताया? हिंदुस्तान कॉरपोरेशन है, देख सकते हैं नेट पे और भी कई कंपनियाँ होंगी, सबको सर्च मारिए, जो अच्छा मिले, जो सस्ता मिले, जो आपको वाजिब हो उसको दीजिए। नंबर बता दीजिए अगर आप इनसे मिलना चाहते हैं तो इनका नंबर। जी हाँ, मैं आपका नंबर मेरा बताता हूँ, 9824715727। फिर से एक बार आपको रिपीट करता हूँ, 9824715727 हमारा ईमेल एड्रेस है, जहाँ पर आप मेल भी हमें कर सकते हो आपकी इंक्वायरी के बारे में, info@hindustancorporation.net, या तो फिर हमारी एक वेबसाइट भी है जहाँ पर आप विजिट करके हमारी पूरी प्रोडक्ट आप देख सकते हो, www.hindustancorporation.net। यहाँ तक हमारा थैंक यू सर, उम्मीद करता हूँ कि जरूर जैसे लोग खेती करते जा रहे हैं, निवेश करते जा रहे हैं, उनके काम आएगा। वेलकम सर।